दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक। विधानसभा चुनावों की हार को लेकर समीक्षा। राजस्थान के लिहाज से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी फिलहाल समीक्षा कर रहे हैं। इस बैठक में अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल है। कई सारे फैक्टर्स हैं। सुबह तस्वीरें आपको दिखाई जब जयपुर से निकल रहे थे अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। जब दिल्ली पहुंचे तब भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक था, लेकिन जिन मुद्दों पर बात की जानी थी भारतीय जनता पार्टी ने उन मुद्दों से ध्यान हटाया, ध्रुवीकरण चुनावों का कर दिया और उस वजह से नुकसान पार्टी को राजस्थान में हुआ। लेकिन तमाम सारे मुद्दों को लेकर के और खास तौर पर दिल्ली में हार की समीक्षा तो हो रही है, हार के कारणों की, क्योंकि छत्तीसगढ़ की तस्वीरें कल आपने इसी तरह से देखी थी। छत्तीसगढ़ में भी हार के कारणों को लेकर समीक्षा हुई, लेकिन साथ ही साथ पीसीसी अध्यक्ष पद को लेकर भी सियासी चर्चाएं जो इन दोनों तेज है, समीकरण जो तेज है, लोकसभा चुनावों की एक चुनौती है। राजस्थान एक बड़ी भूमिका उसमें निभाता है। राजस्थान में माहौल काफी सकारात्मक था, लेकिन चुनावी नतीजे उतने सकारात्मक नहीं रहे, ये मानना होगा। कांग्रेस की अहम बैठक। सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कि कांग्रेस प्रभारी राजस्थान के, वो भी पहुंचे और फिलहाल जो समीक्षा बैठक है वो शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी भी बैठक में मौजूद, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, ये सभी में मौजूद हैं। और राजस्थान में कांग्रेस की हार के बाद जो नेताओं की भूमिका रही उसको लेकर के समीक्षा की जा रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि विपक्ष की जिम्मेदारी अब कांग्रेस के पास में है और ऐसे में दूसरी ओर विपक्ष में कांग्रेस के नेतृत्व के लिए चेहरे की तलाश संभवतः अंदरूनी तौर पर तेज हो चुकी है। आलाकमान इस पर जल्द फैसला ले सकता है, क्योंकि ये हाई टाइम है आत्मचिंतन का। इसके बाद ये ज्यादा समय लोकसभा चुनावों की तैयारी के लिए मिलेगा नहीं और ऐसे में पार्टी को दिल्ली में हार के कारणों पर मंथन के बीच सभी के जहन में ये भी सवाल कि नए नेता प्रतिपक्ष का नाम इंतजार, उसका भी क्या इसमें फैसला होता है, क्या गोविंद सिंह डोटासरा की जिम्मेदारी बनी रहती है। हमारे साथ में अश्विनी जुड़ चुके हैं। अश्विनी, भूमिकाएं कई सारी होती है, लेकिन जब जब किसी भी चीज में हार होती है, खासतौर पर जो फ्रंट फुट पे काम करते हैं उनसे सवाल जवाब होते हैं और आज दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक में कुछ यूं ही चल रहा है। फिलहाल बैठक से कुछ अंदर से जानकारी सामने आई, क्योंकि फीडबैक इस हार का दिया जा रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को आज। देखिए, 11:30 बजे का समय राजस्थान के लिए दिया गया था कि 11:30 बजे राजस्थान की रिव्यू बैठक होगी, जिसमें राजस्थान में कांग्रेस क्यों हारी इसके कारणों पर चर्चा होगी। इससे पहले अभी जो बैठक चल रही है वो मिजोरम को लेकर बैठक चल रही है। थोड़ी देर में मिजोरम की बैठक खत्म होने वाली है, क्योंकि उसके बाद राजस्थान की बैठक शुरू होगी। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत बाकी नेता इस बैठक में मौजूद हैं, लेकिन भंवर जितेंद्र सिंह, अशोक गहलोत, सीपी जोशी, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, गौरव गोगोई जिसके स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। थोड़ी देर में राजस्थान की बैठक शुरू होगी और उन कारणों पर जिसमें राजस्थान में कांग्रेस हारी उसको लेकर चर्चा होगी। बिल्कुल अश्विनी, कई सारी चीज़ें हैं, सभी की निगाहें इस चीज़ पर भी, क्योंकि अब पीसीसी चीफ वहां पर मौजूद है गोविंद सिंह डोटासरा, तो पीसीसी अध्यक्ष पद को लेकर भी काफ़ी बातें इस समय चल रही है। क्या जिम्मेदारी बनी रहती है, जिम्मेदारी में बदलाव होता है, ये फैक्टर भी इसमें काम करता है, क्योंकि नाम कई सारे सामने आने लगे हैं, इसको लेकर भी चर्चा संभव है अश्विनी आज। देखिए, इस बैठक में सिर्फ कारणों पर चर्चा होगी, हालांकि बैठक के अलावा अनौपचारिक चर्चा में चर्चा हो सकती है कि राजस्थान में पीसीसी चीफ का क्या होगा, बदला जाएगा नहीं बदला जाएगा, बदला जाएगा तो कौन होंगे, प्रतिपक्ष के नेता को लेकर चर्चा हो सकती है, क्योंकि पहले ही प्रतिपक्ष के नेता के लिए आलाकमान पर एक लाइन में छोड़ा जा चुका है कि आलाकमान जिसे चाहें वो प्रतिपक्ष का नेता बना सकते हैं, इसको चर्चा हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में एकजुटता को लेकर बातचीत होनी है, वो इस बैठक में भी सवाल उठ सकते हैं। और विधानसभा चुनाव को लेकर, जब विधानसभा चुनाव से पहले जो बैठकें हुई उसमें लगातार एकजुटता को लेकर बैठकें हुई, लगातार नेताओं की ओर से बयान दिए गए कि कांग्रेस एकजुट है, चुनाव में एकजुट होकर जा रही है, एक साथ होकर लड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं
साफ तौर पर परिणामों में एकजुट नहीं होने के का परिदृश्य जो है वो दिखा और उसके परिणाम वैसे रहे, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। एक दूसरे पर आरोप भी लग सकते हैं, ये कहा जा सकता है कि फलां व्यक्ति ने कम मेहनत किया, फलां व्यक्ति ने चुनाव में उस तरह की मेहनत नहीं की जिससे कांग्रेस लौट सके और उसे नुकसान हुआ। इसमें कुछ विशेष इलाकों में कांग्रेस सीट का नहीं आना, कुछ जिलों में कांग्रेस का हार जाना, इनको लेकर भी, क्योंकि बातें जिस तरह की थी, माहौल में जिस तरह से चुनाव जाते हुए नजर आ रहे थे, खासतौर पर राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो जब राजस्थान से होकर गुजरी तो कई दावे किए जा रहे थे कि इस यात्रा का बहुत ज्यादा इंपैक्ट नजर आ रहा है। भीड़ जुटी और भीड़ के नजरिए से समझने की कोशिश करें तो एग्जिट पोल्स में भी ये नजर आ रहा था कि टक्कर कांटे की होने वाली है, लेकिन नतीजे बहुत ज्यादा इतर निकले। भारत जोड़ो यात्रा जहां 19 सीटों से होकर गुजरी, मात्र 8 सीटों पर वहां पर जीत दर्ज करवा पाई, जबकि पिछले चुनावों में 13 वो थे। तो हार की जब समीक्षा होगी तो इस पर भी समीक्षा होगी कि इतनी बड़ी यात्रा को राजस्थान में ले आना, लोगों का जुटना, लेकिन बावजूद लोगों के जुटने के मतों में वो तब्दील नहीं हो पाए, क्या कारण रहा होगा इसके पीछे? देखिए, निश्चित तौर पर ये बात होगी क्योंकि राहुल गांधी पूर्वी राजस्थान से निकले और पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस को कम सीटें मिली हैं, इसको लेकर चर्चा होगी। हालांकि अलवर ग्रामीण में एक, राजस्थान में एक जगह ही राहुल गांधी की बड़ी सभा हुई, उस बैठक, उस सभा वाली सीट में कांग्रेस जीती है, लेकिन जितनी सभी विधानसभा सीटों से राहुल गांधी गुजरे उसमें 50% पर भी कांग्रेस नहीं जीत सकी। इसको लेकर चर्चा होगी कि वोट में तब्दीली उस भीड़ की क्यों नहीं हो सकी। उसमें एक पक्ष का ये आरोप हो सकता है कि दूसरे पक्ष ने उस इलाके में जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ज़्यादा पकड़ रखता है, भले उसमें जाति आधार हो, क्षेत्रवाद का आधार हो, इसको लेकर तो वो साथ नहीं आए, इस तरह के आरोप हो सकते हैं। उसी को लेकर मैंने आपसे पहले में चर्चा की कि इस बैठक में ये बात हो सकती है कि एक पक्ष ये कह सकता है कांग्रेस को, इसमें लगातार ये बात हुई थी कि एकजुट नहीं है या दो पक्ष राजस्थान बने हैं, वो दूसरे पक्ष पर ये आरोप लगा सकता है इस बैठक में कि हम कांग्रेस रिपीट कर रहे थे, सरकार रिपीट कर रहे थे लेकिन नहीं हो पाई और उसमें ये कारण है। जबकि दूसरा पक्ष ये कह सकता है कि हमने पहले कहा था, हमारे अनुसार नहीं टिकट्स दिए गए, हमारे अनुसार नहीं चुनाव प्रचार चला, हमारे अनुसार नहीं चुनावी सभाएं हुई, इस कारण से हमें इग्नोर किया गया और हमने खूब मेहनत और कोशिश करने के बावजूद भी हम कांग्रेस को नहीं जिता सके। तो इन सबको लेकर बात हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आगामी लोकसभा चुनाव है, पिछली 25 सीटें पूरी की पूरी सीटें भाजपा के पास गई थी, भाजपा फिर से 25 सीटें लेने की तैयारी में है, उसकी बैठकें शुरू हो गई हैं दिल्ली में, प्रधानमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की कई बैठकें इसको लेकर हो चुकी हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में कैसे राजस्थान में 25 सीटें जीती जाएं। और जब मुख्यमंत्री का चेहरा की बात हो रही है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो, तो उसमें भी एक बड़ा फैक्टर यह है कि राजस्थान में 25 सीटें लानी है, तो वो एक एस्पेक्ट जो है वो ध्यान में रखा जाए मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर। तो इधर कांग्रेस की जो बैठक आज है, इस बैठक में भी ये तय होना है कि 25 सीटें जब हमें लानी है राजस्थान में, उस पर काम करना है, लोकसभा के चुनाव पर काम करना है, तो फिर बीती ताही पिसार दे आगे की सुधले वाली स्थिति है कि लोकसभा में कांग्रेस कैसे जीत सकती है, कैसे सब लोग एक हो सकते हैं, उसको लेकर एक बातचीत हो सकती है। बिल्कुल, अश्विनी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और अब देखिए हलचल भी नजर आ रही है। बैठक अहम है, बैठक में एक चीज का जिक्र आज फिर से हुआ अश्विनी, क्योंकि तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली से सीधी तस्वीरें, विधानसभा चुनावों की हार को लेकर यह समीक्षा है अश्विनी, एक ध्रुवीकरण फिर से आज गूंज कर सामने आया। एक मिनट आया, कोई अपडेट अश्विनी आप देना चाहेंगे फिलहाल? देखिए, अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये मधुसन मिस्त्री हैं, राजस्थान में ऑब्जर्वर थे और वो अभी यहाँ पहुँचे हैं, बैठक में शामिल होंगे क्योंकि बहुत सारी सीटों को लेकर इनका भी अपना विश्लेषण था। खासतौर पर जो अपन पहले बात मैं जो बात कह रहा था आपने कि राजस्थान में अलग अलग इलाकों में अलग अलग नेताओं का प्रभाव रहा, भले जैसे अलवर में कहें तो भंवर जितेंद्र सिंह का प्रभाव रहा, शांति धारीवाल को भले लास्ट में टिकट मिला हो लेकिन हाड़ौती में उसका उनका अपना प्रभाव रहा, सचिन पायलट का अपना प्रभाव रहा, सीपी जोशी का प्रभाव था, भीलवाड़ा की सीटों को लेकर जब सीट टिकट का वितरण हो रहा था एक बातचीत थी, तो उन सब लोगों को भी सवाल पूछे जाएंगे कि आपने कितनी सीटें जिताई, आपने अड़कर कोई टिकट दिलाई तो आप उस टिकट को कांग्रेस की झोली में उस सीट को डाल पाए कि नहीं डाल पाए, उनको लेकर भी चर्चा इस बैठक में होनी है। हालांकि संभावना ज़्यादा है कि कांग्रेस आलाकमान ने कोशिश करे कि पिछला चुनाव चला गया लेकिन हमें को लोकसभा में ध्यान देना है, लोकसभा में आप एक कैसे हो सकते हो, कैसे आप लोकसभा की सीटें 25 जीत सकते हो, उसको लेकर फिर ये जो बैठक का रुख है वो लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ जाएगा।
अश्विनी, आज मेरा सवाल इससे पहले यही था क्योंकि आज अशोक गहलोत जब पहुंची, अब जयपुर से निकल भी रहे थे और जब दिल्ली भी पहुंचे, सवाल उनसे किया गया क्योंकि वो खुद क्या समझते हैं हार के पीछे कारण। वो कहते हैं कि बेहतरीन योजनाएं थी, जनता में सकारात्मक माहौल था, लेकिन चुनावों से पहले उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए कि उन एग्जाम्पल्स के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने ध्रुवीकरण किया है, ध्रुवीकरण जैसे शब्द को उठाना। और आज जब बैठक होगी तो एक बड़े मुद्दे के तौर पर जब उनकी ओर से कहा जाएगा कि बीजेपी ध्रुवीकरण करती है मुद्दों का, कन्हैयालाल का जिक्र उन्होंने किया, ये समझ में आने वाली बात लगता है कि आज आलाकमान के नजरिए से होगी क्योंकि और भी कई फैक्टर्स थे लेकिन ध्रुवीकरण का स्पेशली आज उन्होंने जिक्र किया मीडिया से बातचीत करते हुए। देखिए, ध्रुवीकरण का जो मुद्दा है उसका जवाब शायद कांग्रेस के पास भी अभी नहीं है क्योंकि देश भर में दूसरे स्टेट्स भी जो हैं या फिर लोकसभा का चुनाव होना है वो लगातार भाजपा पे, ना केवल अशोक गहलोत बल्कि कांग्रेस आलाकमान भी लगातार ये आरोप लगाते रहे कि पोलराइजेशन की कोशिश भाजपा लगातार करती है, तो उसका जवाब कांग्रेस आलाकमान के पास भी नहीं है। अशोक गहलोत भी अगर वो बात कहते हैं, ध्रुवीकरण की चुनाव प्रचार के दौरान भी इस पर खूब सारे सवाल उठाए थे उन्होंने, संविधान को लेकर भी सवाल उठाए थे, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन ध्रुवीकरण का जो तोड़ है और वो कांग्रेस अभी नहीं ढूंढ पाई है। निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में इस तोड़ को ढूंढना होगा कि कैसे ध्रुवीकरण को रोका जा सके। हालांकि एक दूसरा एस्पेक्ट भी इसमें है कि विधानसभा चुनाव में ध्रुवीकरण की जब बात हुई या कुछ इलाकों में हिंदू चेहरे चुनाव मैदान में उतारे गए और वहाँ पर पोलराइजेशन हुआ तो उसके आसपास की सीटों पर भाजपा के कई लोग हारे। उनका ये आरोप है कि हमें कांग्रेस का जो कोर वोटर है वो हमारा वोटर था और जब ध्रुवीकरण हुआ तो कांग्रेस का कोर वोटर कांग्रेस के साथ चला गया और हम हार गए। ऐसे कई कई सीटें ऐसी हैं राजस्थान में जहाँ पर ये आरोप लगाए गए, जहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी हारे, तो उसके दोनों ही प्रभाव हैं। कुछ सीटों पर ध्रुवीकरण से भाजपा जीती तो कुछ जगह पर भाजपा के प्रत्याशियों के साफ सीधे तौर पर आरोप रहे कि ध्रुवीकरण ने उनको नुकसान पहुंचाया और वो सीटें नहीं आ पाई, तो वो एक अलग है, लेकिन ये सही है कि कांग्रेस के पास अभी ध्रुवीकरण का कोई तोड़ नहीं है। अश्विनी, एक और चीज़ बताइए क्योंकि बात जब चुनाव हार को लेकर समीक्षा की हो रही है तो इससे पहले भी कई मंथन हुए थे उदयपुर में, आपको याद होगा कि उदयपुर में मंथन हुआ था, चिंतन शिविर हुआ, कई सारी बातें हुई और युवा नेतृत्व को वरीयता के साथ आगे चुनावों में खड़ा करने की बात हुई थी, लेकिन चुनावों में जब लिस्ट पर लिस्ट आती गई कांग्रेस की तो पुराने चेहरे कई सीटों पर रिपीट होते नजर आए, लेकिन इस बार चौंकाया उन्होंने जो कि नए थे और जीत कर आए। इस चीज़ का बार बार जिक्र किया, भले वो इनडायरेक्टली लोकेश शर्मा ने अपने ट्वीट के जरिए किया हो या फिर बार बार इस चीज़ का जिक्र करना कि जहां पर फ्रेश फेसेस को दी जानी थी वहां पर सो कॉल्ड चहेतों को अगर जगह दी गई और उसके बाद में हार का सामना किया तो इसमें जिम्मेदारी कौन लेगा इस चीज की, अगर जिम्मेदारी तय करने की बात होती है तो। देखिए, वो सब कांग्रेस में नहीं घटा जो कांग्रेस में चुनाव से दो पहले तैयारी की गई, दो माह पहले जो तैयारी की गई वो सब नहीं घटा, वो सब नहीं हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा कि हम चुनाव से दो माह पहले टिकट देना चाहते हैं, टिकट की घोषणा करना चाहते हैं ताकि कोई भी प्रत्याशी फील्ड में जाकर आराम से तैयारी कर सके, वो नहीं हो पाया। और जब नामांकन की तारीख चल रही थी उस दौरान जब अंतिम तारीख है तब तक भी नामों की सूची जारी हुई, ये बात कही गई थी कि 50% से ज़्यादा जो लोग हैं उनके टिकट काटे जाएंगे, वो नहीं हुआ। 50% विधायक या मंत्रियों के टिकट काटे जाएंगे, वो नहीं हुआ। बहुत सारे मंत्री चुनाव हार गए, ये कहा गया जब चुनाव परिणाम आए उसके बाद ये कहा गया कि अगर हम टिकट काटते उन सब लोगों को शायद कांग्रेस वापस आ सकती थी। बहुत सारे युवा चेहरे जीत कर आए क्योंकि उनको पहली बार टिकट मिला था, कई सारी भलाई इसमें मुंडावर में पहली बार टिकट दिया गया वो जीत के आए, कठुमर में एक सीट है वहाँ से 300-400 वोटों से कांग्रेस हार गई, पहली बार कांग्रेस ने नए चेहरे को टिकट दिया था, तो बहुत जगह ऐसी स्थितियाँ भी रही कि नए चेहरे को टिकट दिया जो जीत कर आए, बहुत कम अंतर से कुछ लोग हार गए। लेकिन ये भी है कि कांग्रेस को एक बात का डर था और जो लेट हुआ और जिसमें देरी होने के बाद उन्हीं विधायकों या उन्हीं मंत्रियों को टिकट मिला तो कांग्रेस को डर था कि उस सीट पर कांग्रेस का पुराना प्रत्याशी जो रहा, पुराना विधायक या मंत्री वहां पर रहा, वो कांग्रेस के नए प्रत्याशी को जीतने नहीं देगा, तो इस डर के कारण कांग्रेस ने उन सीटों को रिपीट किया, उन्हीं टिकटों को रिपीट किया, लेकिन कांग्रेस पूरा जो चुनाव है वो लूज कर गई, मैंडेट कांग्रेस को नहीं मिला, भाजपा को मिला, और यही कारण है कि उन सब बातों को जिन पर हम खुद चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल अश्विनी, बदलाव का जिक्र करना और बदलाव को इम्प्लीमेंट करना दो बहुत अलग अलग चीजें, और कहीं ना कहीं जो बीच का गैप है उसको फुलफिल करने की कोशिश तो की लेकिन उसे पूरी तरह से कर नहीं पाए और उसका नतीजा चुनावी नतीजों के जरिए नजर आए। देखना यह होगा कि आज जब बैठक होगी और उसके बाद में जब एक वन टू वन जब चर्चा होगी तो किस तरह से इसे डिफाइन किया जाता है। शुक्रिया अश्विनी इस पूरी जानकारी के लिए। साथ
तो आपको तस्वीरें दिखाते हैं, राजस्थान के नेता एआईसीसी पहुंचे हैं, समीक्षा बैठक की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। देखिए तस्वीरें, विधानसभा चुनावों की हार को लेकर ये समीक्षा, दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर ये तस्वीरें, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, अशोक गहलोत, गौरव गोगोई, सीपी जोशी, सभी, हरीश चौधरी भी देखिए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा वहां पर। और तस्वीर आ चुकी है फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया हार पर मंथन, विधानसभा चुनावों में जो हार हुई, बावजूद इसके कि राजस्थान में वस्तुस्थिति इस बार कांटे की टक्कर की लग रही थी, लग रहा था कि तीन दशकों से राजस्थान का जो एक पैटर्न चला आता रहा है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, वो पैटर्न इस बार टूटेगा, लेकिन कोशिशों के बावजूद कहां पर लैक किया सभी की कोशिशों ने। सीएम अशोक गहलोत का अगर जिक्र करें, बेहतरीन प्रयास उनके रहे, योजनाएं रही, आप लोगों ने लाभ योजनाओं का काफी हद तक लिया, और मैनिफेस्टो जो कांग्रेस का था उसे अगर आप देखेंगे तो योजनाओं में कई चीजें ऐड करके उन्होंने ये विश्वास दिलाया, विजन 2030 बताया, लेकिन तमाम सारी कोशिशों के बावजूद जनता का मैंडेट कुछ और कह गया। और उसके बाद में आज हार की समीक्षा इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब विपक्ष की जिम्मेदारी, तो विपक्ष की भूमिका के तौर पर कौन नजर आएगा वो देखने वाली बात, लेकिन इसके अलावा ये भी जानने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनावों में 2024 के अंदर जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट कांग्रेस राजस्थान के लिहाज से बनाएगी वो कितनी फुलफिल होते हुए नजर आती है। कुल मिलाकर के हार पर मंथन है, हार पर मंथन के लिए जो कारक, जो पॉइंट्स, देखिए महेंद्रजीत मालवीय भी, अमृता धवन भी नजर आ रही हैं, और सभी फिलहाल इस चीज को लेकर के फीडबैक राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे को दे रहे हैं कि आखिर गलती हुई तो हुई कहां।